नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा फिर हुए बहाल। डबल बेंच ने कालवा की बहाली के जारी किए आदेश। सिंगल बेंच ने कालवा की बहाली के आदेश पर दिया था स्टे। तीन बार हटने के बाद 5 साल में चौथी बार बने पालिका अध्यक्ष। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं उनका भी बहुत बहुत, मदन सिंह जी राठौड़ जी का, सीपी जोशी जी का और नगरपालिका के समस्त पार्षदगण और मेरे शुभचिंतक और भारतीय जनता पार्टी की समस्त टीम को, उनको भी बहुत बहुत बधाई। उन्होंने मुझे राज्य सरकार से बहाल करवाया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत फायदा उठाते हुए और न्यायालय में जो है रिट लगाई, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई और डीबीसी जो है वो आदेश जो है मेरे पक्ष में हुआ, मेरे आदेश बहाली के आदेश को जो है यथावत रखा गया। इसलिए मुझे मेरे जितने भी वेलविशर हैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और न्यायालय पे आखिर मैंने हमेशा ही कहा था कि आखिर न्याय की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, और वो आखिरकार जो है मुझे न्यायालय से ये राहत मिली है, उसके लिए मैं विद्वान न्यायाधीशों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये आशा और विश्वास करता हूँ कि इसी प्रकार से न्याय की जो व्यवस्था भारतीय न्यायिक व्यवस्था है उस पर हमारे सब लोगों का आस्था और विश्वास बना रहेगा। धन्यवाद। हमें कौन से चौके छक्के लगाओगे, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि चौका तो लग गया है, क्योंकि चौथी बार मैं आ गया हूँ, इससे बड़ा चौका तो हो नहीं सकता। लेकिन शहर की व्यवस्थाओं के लिए बहुत सारे मन में अरमान थे, परिस्थितियाँ ऐसी रही कि लोगों ने राजनीतिक द्वेष भावना से सही तरीके से काम नहीं करने दिया। वो मेरा दुर्भाग्य रहा, शहर का भी दुर्भाग्य रहा, और आज भी वो इस प्रकार की छींटाकसी कर रहे हैं न्यायालय के आदेश आने के बाद भी। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मेरे इष्ट देवता बाबा रामदेव जी से भी प्रार्थना करता हूँ, उनको सद्बुद्धि दे दे कि आने वाले जो कार्यकाल नगर पालिका में किसी भी अध्यक्ष का रहे तो वो शहर का विकास कर पाए। और रही बात जो हमारे मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे समाज के जगदीश जी मेघवाल, चूँकि राज्य सरकार द्वारा बहाली के उपरांत पद रिक्त हो गया था, तो निश्चित रूप से नगर पालिका के कार्यकलाप जो है वो इससे डिस्टर्ब हो रहे थे। तो जगदीश जी को बहाल किया, मतलब उनको नियुक्ति दी गई और सर्वप्रथम मैंने ही उनको जाके उस बात की बधाई दी और आदेश की प्रतिलिपि उनको उपलब्ध करवाई, और मेरी कोई उसमें दुर्भावना नहीं थी। और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि उनसे मेरी कोई द्वेष भावना, उनके पद के विरुद्ध मेरी कोई भी दुर्भावना नहीं थी। मेरी लड़ाई सच्चाई और झूठ की थी, उसमें आखिरकार मुझे विजय मिली। जगदीश जी सम्माननीय हैं, वरिष्ठतम हैं, पार्टी के वरिष्ठतम और ईमानदार कार्यकर्ता हैं। मैं उनकी भावनाओं की कदर करूंगा और उनसे भी मैं जो है उनका जो 4, 5 या 10 दिन का जो भी कार्यकाल रहा है उनके अनुभव का फायदा उठाकर, और मैं तो ये भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनको ही कहूँगा भाई आप जो कार्य आपने शुरू किया है
उसी को आप जारी रखें, मेरी सहमति है इसकी।